the blue water policy of Francisco de Almeida is about maintaining supremacy over the sea and confining their activities to purely commercial transaction without establishing a territorial empire. It is also known as the शांत जल की नीति. तो ये ब्लू वाटर जब रहता है तो वो साफ पानी को कहते हैं. अगर उसमें रक्त या खून मिल जाए तो वो ब्लू वाटर नहीं रहेगा. तो जब तक वो खून खराबे से दूर रहे तब तक की पॉलिसी उन्हें उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी कही जाती है. और ये इम्पोर्टेंट पॉलिसी है अपने समय में.